कड़ाके की पड़ रही ठंड से राहगीरों और सड़क के किनारे रह रहे गरीबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर निगम की टीम द्वारा महानगर के अंदर विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसका गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल के संवाददाता जब रियलिटी चेक किया तो परिणाम कुछ उल्टा ही सामने निकल कर आया। शहर के कई प्रमुख स्थानों जैसे रोडवेज, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिली। वहीं रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे के सामने लकड़ी तो मिली, लेकिन जलती नहीं पूछने पर रैन बसेरे के केयरटेकर ने बताया कि जलाने की कोशिश की जा रही है, जलाने का सामान नहीं था इसलिए अभी तक जल नहीं पाया। वहीं यातायात कार्यालय के सामने और गोलघर स्थित काली मंदिर के पास अलाव जलता मिला, जहां ठंड से ठिठुरे राहगीर और सड़कों के किनारे रह रहे गरीब अपने ठंड को दूर करते नजर आए। वहीं महापौर सीताराम जायसवाल ने दावा किया है कि महानगर वासियों को ठंड से निजात दिलाने के लिए शहर के अंदर नगर निगम की 3 गाड़ियों से लकड़ियां भेजकर 76 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही 1 हफ्ते बाद समस्त पार्षदों से अपने अपने वार्डों में गरीबों को कंबल वितरण का कार्य भी कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रैन बसेरा के केयर टेकर और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, टेका नहीं निकला, लकड़ी भीगी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अभी उसको मंगा के उसको अलाउड जला रहा हूँ। ठीक है, प्रतिदिन यहाँ जलाया जाता है जी। लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? जो भी वो देते हैं ये हम उसका वो नहीं जानते हैं कि कितनी दी जाती है। जो गिरा देते हैं यहाँ पे उसका मैं वो रखता हूँ, जैसे वो सामने रखी हुई है। फिर जलाया क्यों नहीं जाता? जलाया नहीं, रोज जलता है। अभी हमने खुद देखा लेकिन अभी तक नहीं जलाया। नहीं नहीं, कारण ये है कि यहाँ पे जलाने की कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, तभी मैं लड़के को बोला हूँ तुरंत आके वो जला रहा है। कितना समय हो रहा होगा अभी? अभी हमारे ख्याल से 7:30 शहर वासियों को ठंड से राहत देने के लिए नगर निगम पूरे शहर में अलाव की व्यवस्था किया है और 76 जगहों पर 3 गाड़ियों से लकड़ियां भेजी जा रही है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिले। इसमें प्रमुख रूप से आपके सदर अस्पताल, महिला अस्पताल, यातायात तिराहा, काली मंदिर गोलघर, अग्रसेन चौराहा, नगर आयुक्त कैंप कार्यालय, जिला अधिकारी कैंप कार्यालय, आयुक्त कैंप कार्यालय, टैक्सी स्टैंड, रैन बसेरा स्टेशन, माननीय शिव प्रताप शुक्ल सांसद रतियाहाता, रैन बसेरा कचहरी, रैन बसेरा धर्मशाला, सिटी मजिस्ट्रेट कैंप कार्यालय, अंबेडकर चौक, अपर आयुक्त सैनिक कैंप कार्यालय, बांसफोर्ट चौराहा, जेल बाईपास रोड, मस्जिद चौराहा, पादरी बाजार आदि जगहों पर लकड़ी के अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है और हम लोग जल्द ही इसे अभी 1 हफ्ते के अंदर सभी वार्डों के पार्षदों के माध्यम से उन्हें कम्बल उपलब्ध कराने जाते हैं, जिसका वितरण पार्षद स्वयं अपने वार्ड में करेगा। ये नागरिकों की सुविधा के लिए, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको दिया जाए।